सल्फर कोटेड यूरिया या यूरिया गोल्ड, इसका सोयाबीन में काफ़ी अच्छा स्कोप हो सकता है। मैं सोयाबीन पे काफ़ी वीडियो बनाता रहता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को सोयाबीन किसान ही समझता हूँ। मुझे लगता है इसका सोयाबीन में काफ़ी यूज होगा। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ सोयाबीन को, इतना सोयाबीन में प्रोटीन बनता है, इसको यदि खड़ी फसल में नाइट्रोजन मिले तो बेहतर है। इस चीज़ पे ज़्यादा काम इंडिया में हुआ नहीं है, पर इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है। और स्पेशली आजकल फार्मर बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी लेते हैं, इरिगेशन करते हैं, मैकेनिकल वीडिंग पे डोरा कुल्पा चलाते हैं, तो वहाँ मुझे इसका काफ़ी अच्छा स्कोप दिख रहा है। देखिए, लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है, इरिगेटेड कंडीशन है, तो ऑब्वियसली सोयाबीन का आप 25 क्विंटल पर हेक्टेयर के ऊपर प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, और इतना ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हो तो मुझे लगता है सोयल इतना नाइट्रोजन सप्लाई करंट जो कंडीशन प्रेजेंट सॉइल की कंडीशन है, जो इसकी बायोडाइवर्सिटी है, माइक्रोफ्लोरा फौना है, जो इसका ऑर्गेनिक मैटर है, उसका ये स्टेटस नहीं है कि उसको कंटिन्यू नाइट्रोजन उपलब्ध करवा पाए। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि सल्फर कोटेड यूरिया, जिसमें 17% सल्फर है और 37% नाइट्रोजन है, इसका काफ़ी अच्छा सोयाबीन में यूज हो सकता है। इस पर ट्रायल लग जाएंगे, हम तब तक वेट करेंगे, हमारे बेसिस पे भी थोड़ा इसको ट्रायल करेंगे, मैं भी इसको देखूंगा, आप भी देखना। पर मुझे लगता है इसका काफ़ी अच्छा स्कोप हो सकता है, क्योंकि सोयाबीन में नाइट्रोजन स्टैंडिंग क्रॉप में देने के लिए मतलब ऐसी कोई रिकमेंडेशन है नहीं कि आप यूरिया दे दो, और इसलिए किसान वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर ही देता है। ऑफिशियली कोई मेरे जैसा आदमी बता भी नहीं पाता कि आप यूरिया दे दो, पर हाँ, यदि आप देखेंगे प्लांट की रिक्वायरमेंट, तो पौधे को नाइट्रोजन तो चाहिए वो स्टैंडिंग क्रॉप में, क्योंकि इतना प्रोटीन बनता है, सोयल की कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर दे। और वेरी ऑनेस्टली फार्मर है ना, जब तक सोयाबीन उसको ठीक से जम नहीं जाती ना, तब तक उसमें वो फर्टिलाइजर के ऊपर खर्चा ज़्यादातर किसान करता भी नहीं है। बाद में पूछते रहते हैं कि भाई मैं क्या डालूँ इसमें, सल्फर कैसे दूँ, मैंने दिया नहीं कैसे दूँ। रीज़न ये है कि सोयाबीन में बड़ी रिस्क लगती है कि ये जमेगा कि नहीं जमेगा, वो बहुत सी बातें उन पर अपन नहीं उलझेंगे, पर सल्फर देने की बाद में भी आदमी की इच्छा होती है। तो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर में सल्फर, जैसे NPK 19-19-19 ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो सल्फर का ज़्यादा अच्छा सोर्स मिलता नहीं है, क्योंकि वहाँ आपका NPK 18-18 में 6.1% होता है, वो इतना ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो सल्फर आदमी बाद में स्टैंडिंग क्रॉप में देने के लिए कोशिश करता है, दूँ किससे दूँ, इतना अच्छा कोई वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर में सल्फर का अच्छा सोर्स है नहीं। सो ये मुझे लगता है कि कमाल कर सकता है, पर हम लोग वेट करेंगे ट्रायल्स का, क्या इसके रिजल्ट आएंगे, हम हमारे हिसाब से भी करके चीज़ें देखेंगे। ये आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए था, उम्मीद करता हूँ जानकारी ठीक लगी होगी। जानकारी ठीक लगी तो इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं कैसे जानकारी डालता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।